जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों, एआई का जमाना है, मोबाइल से लेकर लैपटॉप टीवी में सभी में आपको एआई मिल रहा है। वैसे दोस्तों, यहां पे रियलमी ने एक वॉच लॉन्च की है जो कि एआई पावर्ड है। दोस्तों बात करें रिसेंटली रियलमी की तरफ से लॉन्च हुई वॉच S2 के बारे में। इस चार स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ में ये वॉच आती है और इस वॉच में 1.43 इंचेस का LPDS AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है जो कि 60Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। तो बढ़िया AI फीचर इस वॉच में प्रोवाइड किए गए। सबसे पहला AI पर्सनल असिस्टेंट वाला फीचर है। यहाँ पे दोस्तों इस वॉच से आप कुछ भी पूछ लो, काफी डिटेल में आपको आंसर मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो आंसर दिया जाता है वो ChatGPT 3.5 के थ्रू दिया जाता है। दूसरा है दोस्तों स्मार्ट डायल इंजन वाला फीचर, और ये मेरा फेवरेट फीचर है और आपका भी फेवरेट फीचर हो सकता है। टेक्स्ट को ये पिक्चर में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि अगर आप स्पाइडरमैन बोलते हो तो स्पाइडरमैन वाला डायल आ जाएगा, ताजमहल बोलते हो तो ताजमहल वाला डायल आएगा। इवन यहाँ पे अगर आप बोलोगे टाइगर इन फ्रंट ऑफ ताज तो ताजमहल के सामने आपको चलता फिरता टाइगर दिख जाएगा। अलावा यहाँ पे AI पावर्ड बैटरी मिल जाती है, बैटरी बैकअप भी काफी जबरदस्त मिल जाता है। सिंगल चिप ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ में आती है, कॉलिंग वगैरह भी काफी बढ़िया हो जाती है और साथ ही में IP68 का सपोर्ट मिल जाता है। प्राइसिंग अंडर 5 के हो सकती है, जिससे जो भी इसकी प्राइसिंग होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी और भी बहुत सारे फीचर्स है। डिटेल में हम इस वॉच के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देखते हैं बॉक्स में क्या क्या मिलता है। टिपिकल व्हाइट कलर का बॉक्स मिलता है रियलमी वॉच S2 का। लेफ्ट एंड राइट साइड में काफी सारे स्पेक्स है, डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। बॉक्स MRP 7999 की है। क्विकली अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैनुअल बुक मिलती है वॉच S2 की, काफी बड़ी, एंड यहाँ पे चार्जिंग मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिलता है। फाइनली दोस्तों ये रही हमारी रियलमी वॉच S2। हमारे पास ब्लैक वेरियंट है, वैसे इसका ब्लू और ग्रे वेरियंट भी लॉन्च हुआ है। वॉच की जो बॉडी है एडवांस स्टेनलेस स्टील टेक्सचर बॉडी के साथ में आता है और यहाँ पे काफी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। वैसे यहाँ पे डेडिकेटेड दो बटन दी हुई है, एक प्राइमरी बटन और सेकेंडरी यहाँ पे आपको मिल जाती है स्पोर्ट्स मोड के लिए, जिससे टैप करके आप स्पोर्ट मोड ऑन कर सकते हो। वैसे इसके सेंटर में माइक और लेफ्ट साइड में आपको स्पीकर का सपोर्ट मिलता है। बैक साइड में अगर आप वॉच देखोगे तो काफी प्रीमियम रहती है, रियलमी की ब्रांडिंग सेंटर में दी हुई है। और कॉर्नर में यहाँ पे AI वॉच IP रेटिंग भी दी हुई है 68 की। कस्टमाइजेबल सुपर लो बैटरी लाइफ यहाँ पे मिल जाती है। कुछ जरूरी सेंसर्स दिए हुए हैं और वैसे यहाँ पे जो मेन बटन दिया हुआ है मुझे ऐसा लगा ये वर्किंग क्राउन है, बट वर्किंग क्राउन का सपोर्ट नहीं मिलता, सपोर्ट मिल जाता तो बढ़िया रहता। सेकेंडरी यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड का सपोर्ट मिलता है, 110 प्लस स्पोर्ट मोड का सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। वैसे डिस्प्ले के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं, ये जितनी भी डिजिट टाइप हुई है नॉर्मल वॉच में ये डिजिट के बाहर ग्लास रहता है, बट यहाँ पे इसे कवर किया हुआ है रियलमी में और ये काफी बढ़िया प्रीमियम सा ग्लास लगता है जब डिजिट इसके अंदर आती है। एंड यहाँ पे दोस्तों 1.43 इंचेस का LTPS AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। मेनली इस तरह के डिस्प्ले आपको मोबाइल में देखने को मिलेंगे और ये जो डिस्प्ले ये काफी पावर एफिशिएंसी होते हैं, फिकर फ्री होते हैं एंड काफी ज्यादा ब्राइटर होते हैं। इवन दोस्तों ये जो डिस्प्ले है 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। डिस्प्ले की जो क्वालिटी है काफी बढ़िया तो मिलती है, टच रिस्पॉन्स भी सुपर डुपर मिल जाता है। ओवरऑल यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है वॉच की और जो डिस्प्ले है काफी बढ़िया मिलता है। वॉच में 22mm सिलिकॉन स्ट्रिप प्रोवाइड की गई है। थोड़ा सा यहाँ पे मटेरियल मुझे हार्ड लगा है, बट ये क्वालिटी काफी बढ़िया है, लॉन्ग लास्टिंग है। यहाँ पे सेंटर में आपको डिजाइन भी मिल जाती है। वैसे इसका जो बक्कल है ये आपको यहाँ पे मेटल का मिल जाता है जो कि काफी प्रीमियम लगता है। एंड देन दोस्तों हमने यहाँ पे इसका रेस्ट टू वेकअप वाला फीचर भी यूज किया और काफी क्विकली वेक हो जाता है, बहुत ही फास्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो रेस्ट टू वेकअप फीचर रियली फास्ट है। एंड आपकी वेस्ट का साइज चाहे कुछ भी हो वॉच वेयर करने में काफी बढ़िया और प्रीमियम लगती है। बढ़िया बात यह है कि इस बार Realme ने सिस्टम प्रीसेट वॉच फेसेस प्रोवाइड किए गए हैं, वो भी 11 टाइप के। बढ़िया बात यह है कि ये फंक्शनेबल है, एडिटेबल है और बढ़िया लुक प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वॉच जो है और भी बढ़िया लगती है, प्रीमियम लगती है। और यहाँ पे आपको वन टैप पे आप AI टैप कर सकते हो, AI असिस्टेंट टैप कर सकते हो, काफी सारे ऑप्शंस आपको इस प्रीसेट सिस्टम वॉच फेसेस में मिल जाते हैं। इसके अलावा ऐप के थ्रू 150 प्लस क्लाउड स्टाइलिश वॉच फेसेस आप यूज भी कर सकते हो। तो तगड़े AI फीचर भी इस वॉच में प्रोवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे AI पर्सनल असिस्टेंट वाला फीचर मिल जाता है। एक्चुअली में ये ChatGPT 3.5 को यूज करके यहाँ पे टेक्स्ट जनरेटेड आंसर देता है और यहाँ पे आपको काफी सारे आंसर डिटेल में मिल जाते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट ताजमहल। The Taj Mahal is an iconic white marble mausoleum located in Agra,
So, जो भी क्वेश्चन आप इससे पूछोगे वॉच के थ्रू ये रियलमी लिंक ऐप में जाएगा और वहां पे दोस्तों चैट जीपीटी 3.5 का इससे खास सपोर्ट मिलता है, इसी वजह से काफी डिटेलिंग के साथ में ये आंसर करता है। सेकंड दोस्तों एआई स्मार्ट डायल इंजन वाला फीचर है और यहाँ पे दोस्तों एआई वॉइस के थ्रू आप यहाँ पे टेक्स्ट के थ्रू जो है पिक्चर ड्रा कर सकते हो, काफी बढ़िया फीचर और इसी को आप डायल में रनिंग टाइगर इन फ्रंट ऑफ ट्राई किया। तो भाई एआई से हमने बोला कि हमें ताजमहल के सामने रनिंग टाइगर चाहिए, दौड़ता हुआ टाइगर हमें ताजमहल के सामने चाहिए और यहाँ पे ये लिख के भी आ गया। जैसे यहाँ पे हमने स्टार्ट जनरेटिंग पे टाइप किया यहाँ पे कुछ प्रोसेस चालू हो गई एआई की और ये 100% होने के बाद कुछ इस तरह से आपको देख सकते हो आप ये ताजमहल है और इसके सामने यहाँ पे टाइगर का ऑप्शन देखने को मिलता है और जैसे ही जनरेट पे टैप करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो ये टाइगर मिल जाता है ताजमहल के सामने। तो भैया यहाँ पे काफी सारे और भी ऑप्शन, जैसे यहाँ पे हमने और भी ट्राई किया कि चलो हमें यहाँ पे स्पाइडरमैन चाहिए तो स्पाइडरमैन में हमने टैप किया और स्पाइडरमैन भी यहाँ पे थोड़े ही देर पे आपको देखने को मिल जाएगा जनरेट होके। काफी बढ़िया स्पाइडरमैन का डायल यहाँ पे तैयार किया है एआई की मदद से और ये काफी एक्यूरेट तैयार करता है। और दोस्तों यहाँ पे आप अंदर ऐप पे भी जाके जैसे कुछ भी टाइप कर सकते हो, यहाँ पे भी मैंने ब्यूटीफुल गर्ल टाइप किया और यहाँ पे ऐप के थ्रू भी आप जो है डायल जनरेट कर सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका यहाँ पे आपको एडिट वगैरह का ऑप्शन भी मिल जाएगा। दोस्तों एआई वॉच फेसेस के कुछ रूल्स है, स्क्रीनशॉट लेके आप डीपली यहाँ पढ़ सकते हो, बट मेनली आपको बता दू वॉच या ऐप के थ्रू आप एक दिन में 15 एआई वॉच फेसेस बना सकते हो। वैसे काफी यूनिक फीचर प्रोवाइड किया गया है। वैसे तो यूआई काफी ज्यादा स्मूथ मिलता है और इस तरह से अगर आप स्वाइप करते हो तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के ऑप्शन मिलते हैं। वैसे यहाँ पे आप टाइप करके रिप्लाई तो नहीं कर सकते बट क्विक रिप्लाई का ऑप्शन अवेलेबल है जिससे वन टैप पे आप रिप्लाई कर सकते हो। इस तरह से स्वाइप करने पे यहाँ पे डीएनडी का ऑप्शन मिलता है, ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो, एड्रेस टू वेकअप वाला ऑप्शन मिलता है, देन यहाँ पे आपको टॉर्च का ऑप्शन भी मिल जाता है कुछ इस तरह से, एंड यहाँ पे आपको जो ट्रेनिंग वाटर है अगर वाटर वगैरह इसमें चला गया तो इस तरह से आप वाटर को ट्रेन कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन, बैटरी का ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ आपको फाइंड फोन का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम सेटिंग सेक्शन में जाए तो सबसे पहले यहाँ पे सिंक वॉच फेसेस का ऑप्शन मिलता है जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एओडी का बेहतरीन ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे एओडी फेसेस का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे तरह तरह के एओडी फेसेस आपको मिल जाते हैं। देन मुझे सबसे फेवरेट मेरा वाला ये है फर्स्ट वाला और ये और एक और आपको वॉच फेसेस कुछ इस तरह से एओडी वाला मिल जाता है। वैसे एओडी का यूज अगर आप कम करोगे तो बैटरी ड्रेन से बच सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे वाइब्रेशन एंड साउंड वाले सिस्टम में जाओगे तो यहाँ पे मैसेज और रिंगटोन वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हो मैसेज के लिए। वाइब्रेशन इंटेंसिटी को आप यहाँ पे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। देन यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि काफी यूजफुल है। बैक करेंगे तो ऐप व्यू का ऑप्शन मिलता है एंड ऐप व्यू में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। वैसे फर्स्ट टाइप वाला जो ऑप्शन है स्पिरिचुअल सराउंडिंग वाला, ये मुझे काफी बढ़िया लगा, थोड़ा सा यूनिक सा यहाँ पे रियलमी ने एआई टाइप का प्रोवाइड किया है। देन यहाँ पे आप ऑटो डिटेक्टिव वर्कआउट वाले ऑप्शन के साथ बैटरी का ऑप्शन भी मिल जाता है जिसमें आप वेरियस तरह से इसे कस्टमाइज करके यूज कर सकते हो। एडी के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, सिस्टम में आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। लेफ्ट टू राइट स्वाइप करने पे जो भी ऐप आपने रिसेंट टास्क में किया है वो ऐप आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगी। वैसे एआई वाले ऑप्शन भी आते हैं यहाँ पे, आपको सजेशन भी आते हैं और कुछ नीचे आपको ये हेल्थ रिलेटेड ऑप्शन मिल जाते हैं। राइट टू लेफ्ट स्वाइप करने पे यहाँ पे आपको सबसे पहले डाटा मिलेगा जो भी आपने किया वर्कआउट, इसके बाद स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाता है और ये सारे डिटेल में ऑप्शन आपको देन मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिलता है, स्लीप मॉनिटरिंग का ऑप्शन आपको काफी डिटेल में मिल जाता है, वेदर में काफी डिटेल में वेदर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, देन यहाँ पे आपको म्यूजिक का ऑप्शन मिलता है और यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप मोबाइल से या फिर वॉच से भी म्यूजिक यहाँ पे सुन सकते हो और मोबाइल से यहाँ पे आप ट्रैक को चेंज कर सकते हो, प्ले पॉज और इसका वॉल्यूम वगैरह आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। वैसे दोस्तों यहाँ पे आपको जो लोकल इंटरनल मेमोरी है 4GB की प्रोवाइड की गई है, 30 से 50 MP3 सॉन्ग आप यहाँ पे रियलमी लिंक ऐप के थ्रू आप अपनी वॉच में डाल सकते हो, यानी मोबाइल में जो रियलमी लिंक ऐप है उसके थ्रू आप क्लियरली यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो MP3 को और लोकल वॉच म्यूजिक से इसे सुन सकते हो। ये काफी यूनिक सा ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे आपको 4GB इंटरनल मेमोरी भी मिल जाती है। इसके अलावा ब्लूटूथ ईयरफोन कनेक्टिविटी वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी वॉच में जो सॉन्ग है उसे आप ईयरफोन में सुन सकते हो। फाइनली म्यूजिक के साथ साथ यहाँ पे आपको कैमरा कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि वॉच के थ्रू आप अपने मोबाइल के कैमरे से
कभी भी क्लिक कर सकते हो। कुछ अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे तो यहाँ पे एम्बियंट वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है, आप अपने चारों ओर का जो वॉल्यूम है वो चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो। और भी बहुत सारे फीचर जो कि एक स्मार्ट वॉच में चाहिए, ये सारे फीचर्स इस वॉच में मिल जाते हैं। इवन दोस्तों यहाँ पे जो म्यूजिक प्लेयर है, जो सेटिंग ऐप है, वो कैमरा ऐप है, इसके जो आइकॉन है ये रियलमी यूआई जैसे ही देखने को मिलते हैं। ब्लूटूथ कॉलिंग क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस मिलता है। सबसे पहले कॉल हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है, देन यहाँ पे फेवरेट कॉन्टेक्ट ऑप्शन मिलता है, 40 कॉन्टेक्ट यहाँ पे आप सिंक कर सकते हो। बड़ा सा डायल पैड यहाँ पे मिल जाता है, और जब भी आप यहाँ पे कॉलिंग करते हो तो जो स्पीकर है वो काफी लाउड है और काफी बढ़िया क्रिस्टल क्लियर वॉइस आती है। और कुछ तरह इस तरह का यूजर इंटरफेस आपको डायल पैड में मिल जाता है। यहाँ पे वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है, सिंक करने का ऑप्शन मिल जाता है, देन जो सिंगल चिप कॉलिंग सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, इसी वजह से कॉल ड्रॉप यहाँ पे नहीं होते है। कॉलिंग जो ब्लूटूथ क्वालिटी है आपको काफी बढ़िया मिल जाती, चाहे इनकमिंग हो आउटगोइंग हो, आपको इस वॉच से ब्लूटूथ कॉलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। एक्यूरेसी टेस्ट करने से पहले हमने टेबल का टेस्ट कर लिया भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो हार्ट रेट मॉनिटरिंग में भी डिटेक्ट कर गया, स्ट्रेस मॉनिटरिंग में भी ये डिटेक्ट कर गया, और SpO2 मॉनिटरिंग में भी ये डिटेक्ट कर गया कि ये टेबल है भाई, मेन बॉडी नहीं है, और यहाँ पे काफी फास्ट रेस्पॉन्स मिलता है। एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर है। जब भी आपको इस तरह से टेस्ट करे, वॉच को अच्छी तरीके से वेयर कर लीजिएगा। यहाँ पे HX3690Q हार्ट रेट एंड ब्लड ऑक्सीजन सेंसर प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे दोस्तों आप हार्ट रेट मॉनिटरिंग आप देख सकते हो 79 वॉच में आ रहा है, और 77 यहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर में, दोनों में आप देख सकते हो एक्यूरेट हो चुका है, और यहाँ पे काफी बढ़िया तरीके से एक्यूरेट रिजल्ट देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों हमने यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटरिंग के साथ साथ पल्स ऑक्सीमीटर भी चेक किया, और यहाँ पे दोनों के ही रिजल्ट आप देख सकते हो 96 के आसपास देखने को मिलता है, यानी कि जो इसका सेंसर है वो काफी एक्यूरेट वर्क करता है। इस वॉच के थ्रू स्टेप काउंटिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग एंड स्लीप मॉनिटरिंग भी हमने चेक किया, और काफी एक्यूरेट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ओवरऑल बोल सकते हैं कि जो एक्यूरेसी सेंसर की जो क्वालिटी है वो काफी बढ़िया मिलती है। वॉच के एक्स्ट्रा फीचर अनलॉक करने के लिए रियलमी लिंक को प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, और यहाँ पे कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस मिलेगा। हार्ड पे अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपको सारी एक्टिविटीज जो भी आपने की है, डेली वीकली और मंथली, सारी डिटेल मिल जाएगी। और यहाँ पे वर्कआउट वाले सेक्शन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे इन ऐप GPS का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि वॉच में GPS नहीं मिलता, बट मोबाइल का GPS यूज करके आप यहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे वॉच फेसेस में ऑप्शन मिलते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे माय वॉच फेसेस में अगर आप जाओगे तो सिस्टम से रिलेटेड सारे वॉच फेसेस हैं, वन टैप पे आप इसे सिंक कर सकते हो, और AI वॉच फेसेस के ऑप्शन मिलते हैं। देन नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, जितने भी ऐप है यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन ऑफ यहाँ से डायरेक्टली आप कर सकते हो। इसके बाद वर्कआउट का ऑप्शन मिलता है, 110 प्लस वर्कआउट मोड मिलते हैं, इसे यहीं से आप सिंक कर सकते हो वॉच में। एंड यहाँ पे इंटेलिजेंट वर्कआउट रिकॉग्नाइजेशन मोड का ऑप्शन भी मिलता है, ऑन ऑफ यहाँ से आप कर सकते हो। देन यहाँ पे टाइल्स का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप अपने हिसाब से एडजस्ट वॉच में कर सकते हो। हेल्थ रिमाइंडर वाला ऑप्शन है, जिसमें ड्रिंक रिमाइंडर आप ऑन करके रख सकते हो, बट ये 24x वाले जितने भी ऑप्शन है, जैसे हार्ट रेट मॉनिटरिंग 24x आपको जरूरत नहीं होती है, इससे बैटरी ड्रेन होती है, इसे ऑफ करके रखेगा। मोर फंक्शन में जाएंगे तो फाइंड माई फोन, फाइंड माई वॉच, बिल्ट का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे म्यूजिक का ऑप्शन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। AI वॉच फेसेस के ऑप्शन मिलते हैं, जितने भी AI वॉच फेसेस बना रहे हो आप, इसे वाटरमार्क आप यूज कर सकते हो। फ्रीक्वेंटली कॉन्टेक्ट में आप 40 फ्रीक्वेंटली कॉन्टेक्ट सिंक कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको क्विक मैसेज रिप्लाई का ऑप्शन मिलता है, और लास्टली यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है वर्ड क्लॉक का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फ्रेमवेयर अपडेट भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, एंड इसी तरह से आप इस ऐप के थ्रू बहुत सारे फीचर्स को अनलॉक कर सकते हो, काफी यूजफुल ऐप है। चलिए क्विकली बात कर लेते हैं बैटरी एंड बैटरी बैकअप की। इस वॉच में आपको AI पावर 380mAh की बड़ी सी बैटरी मिलती है, और कंपनी ने क्लेम किया है कि भी नॉर्मल यूज अगर आप करोगे तो यहाँ पे 20 डेज का बैटरी बैकअप मिल सकता है। बट यहाँ पे दोस्तों आजकल की डेली लाइफ में अगर आप एक ब्लूटूथ वॉच ले रहे हो, और यहाँ पे आपको AOD वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, तो यहाँ पे आप काफी सारे टास्क कर सकते हो, इवन हेल्थ मॉनिटरिंग भी यहाँ पे होती रहती है। तो हमने दोस्तों ये सभी कुछ किया है और काफी ज्यादा हैवी यूज किया है, इसका म्यूजिक वगैरह भी यहाँ पे ऑन करके हमने सुना है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 डेज का यहाँ पे बैटरी बैकअप मिल जाता है अगर आप इससे हैवी यूज करते हो। बस मैंने आपको पहले ही बताया, जो डिस्प्ले में प्रोवाइड किया गया है ये 60Hz का LTPS AOD डिस्प्ले है, जो कि पावर कंजप्शन बहुत ही कम करता है, और काफी बढ़िया बैटरी बैकअप इसी वजह से मिल जाता है। ओवरऑल जो बैटरी बैकअप है इस वॉच में काफी बढ़िया मिलता है। वॉच IP68 रेटिंग के साथ में आती है, टोटली वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ है। वैसे दोस्तों हमने इसका वाटर टेस्ट भी किया है और काफी बढ़िया तरीके से सर्वाइव कर गया। यहाँ पे आपका टच रिस्पॉन्स भी देख सकते हो, काफी बढ़िया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं गई। और अगर आपको हाथ धोने का शौक है, बार बार बर्तन धोने का शौक है, या फिर कपड़े धोने का शौक है, तो आप
क्लियरली इससे कर सकते हो, कोई भी दिक्कत इस वॉच में नहीं जाएगी क्योंकि IP68 रेटिंग इस वॉच में मिल जाती है। तो ये थे दोस्तों रिसेंटली लॉन्च हुई Realme Watch S2 का डिटेल रिव्यू वीडियो। यहाँ पे दोस्तों आपको बढ़िया एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, बढ़िया AI फीचर मिल जाता है, बैटरी बैकअप भी काफी बढ़िया मिल जाता है और प्रीमियम लुक वाली आपको यहाँ पे वॉच मिल जाती है इस प्राइस सेगमेंट में। तो काफी बढ़िया यहाँ पे पैकेज Realme ने प्रोवाइड किया है और इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको स्मार्ट वॉच, तगड़ी AI स्मार्ट वॉच सर्च कर रहे थे, डेफिनेटली आप Realme Watch S2 के साथ जा सकते हैं। वैसे इस वॉच के रिगार्डिंग अगर आपके अगेन से कोई डाउट और क्वेश्चन है सिंपली आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद बोलते रहिए, वंदे मातरम।